हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यदि उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। तो देखिए, एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, त्रिभुज एबीसी, और ए के निर्देशांक देखिए 0-1, बी का निर्देशांक 2-1 और सी का निर्देशांक है 0 और 3। इस तरह से निर्देशांक दिए गए हैं और इसमें हमें ये भी सिद्ध करना है कि आपको बताना है कि देखिए, एक बीच में त्रिभुज इस तरह से बना है, देख रहे हैं त्रिभुज, इसका नाम लिखा गया डी ई एफ। तो डी ई एफ, और इसमें यह भी दिया गया है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु एफ है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ई एफ इसका क्षेत्रफल जितना होगा और इस बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इनका अनुपात क्या होगा। इनका अनुपात होगा 1:4, यही हमको सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर समानुपाते में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इनका अनुपात कितना है। इनका अनुपात है 1:4। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। जो मध्य बिंदु में देखिए, ए बी के मध्य बिंदु एफ है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो हम इनका पहले निर्देशांक निकालेंगे। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु जिसे हम मध्य बिंदु कहेंगे, अब इसी मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है। इसके लिए फार्मूला होता है कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। इस फार्मूले से हम सबका निकाल लेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे कि 0 (x1, x2) तो 0 - 2 ये हो गया 2, 2/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 0-1 है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे, तो -1 हो गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/2 होगा। जब 0/2 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया 1 और 0, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे, इसका निर्देशांक हो गया 1 और 0। इसी तरह से हम इन सबका भी निकाल लेंगे। देखिए 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 3 - 1, 3 - 1 - 2 आ जाएगा, 2/2 - 1 आ जाएगा, ये इसका 1 हो गया। इस तरह से इसका भी आ गया। इसी तरह से हम डी का भी निकाल लेंगे, 2 - 0 तो 2 - 0 कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2/2 - 1 आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और 3 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से इसका निर्देशांक आ गया 1, 2, और इसका निर्देशांक देखिए 0, 1 आ गया, और इसका निर्देशांक आ गया 1, 0। इस तरह से निर्देशांक आ गया। अब हम अलग अलग दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रहना चाहिए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है, इसको लिखते हैं 1/2। इसके बाद यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाइए, बड़ा कोष्ठक लगा करके इसमें लिखिए x1, कोष्ठक में लिखिए y2 - y1, फिर यहाँ पर प्लस लगाइए, इसके बाद लिखिए यहाँ पर x2, फिर कोष्ठक में लिखिए y3 - y1, इसके बाद फिर प्लस लगा करके आगे लिखिए x3 और कोष्ठक में
वाई वन माइनस वाई टू, यहाँ से कोष्टक बंद कर दीजिए। इस तरह से अब इसी फार्मूले से आपको हल करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर एक बटे दो लिखिए एक्स वन। अभी एक्स वन आप देखिए एक्स वन इसको मान सकते हैं, ये एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स टू हो जाएगा और ये एक्स थ्री हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स वन, एक्स वन जीरो रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो, और कोष्टक में वाई टू माइनस वाई थ्री, देखिए वाई टू, वाई टू वन होगा तो यहाँ पर वन लिख देंगे, और फिर देखिए वाई थ्री तीन हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस तीन लिख देंगे। इस तरह से हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर दो लिखिए, दो देख रहे हैं एक्स टू है। फिर आपको लिखना है कि वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री देख रहे हैं तीन है, यहाँ पर तीन लिख देंगे। इसके बाद तीन लिखिए, इसके बाद फिर माइनस लगाइए वाई वन, वाई वन देख रहे हैं कितना है, वाई वन माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ऐसे प्लस कर देंगे। फिर आगे अब आपको प्लस लगाना है, एक्स थ्री लिखना है, तो एक्स थ्री देख रहे हैं जीरो है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जीरो, और कोष्टक में लिखेंगे वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन माइनस एक है और वाई टू एक है, तो हो जाएगी कितना माइनस एक माइनस एक। इस तरह से अब इसको सरल कर देंगे तो देखिए कितना आ जाता है, ये आ गया एक बटा दो, या देखिए जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा माइनस दो, माइनस दो में जब जीरो का गुणा करें जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तीन एक चार होगा, यहाँ पर आप जीरो लिख देंगे, ये देखिए तीन एक चार, चार दूनी आठ हो जाएगा, यहाँ पर आठ लिख देंगे। फिर देखिए माइनस माइनस ये माइनस दो हो जाएगा, माइनस दो में जब जीरो का गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा। इस तरह से कितना आ गया, ये आ गया एक बटे दो गुणे में आठ हो गया, और कितना आ जाएगा, ये हो गया आठ बटे दो, ये बराबर आ गया चार। आप इसको लिख देंगे चार वर्ग इकाई, चार वर्ग इकाई। इस तरह से आपको क्षेत्रफल मालूम हो गया ए बी सी का। इसके बाद आप निकालेंगे आपको अभी निकालना है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इसी तरह से आप त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख लेंगे। लिखिए कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो आप त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लेकर के सेम फार्मूले से इसको भी कर देंगे। तो आप यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ पर एक बटे दो लिखिए। अब देखिए मान लीजिए इसमें एक्स वन आपका ये हो गया वन हो गया, तो आप लिखिए यहाँ पर वन, और फिर देखिए आपको लिखना है वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री है यहाँ वाई टू, तो वाई टू माइनस वाई थ्री, आप वाई टू माइनस वाई थ्री लिखेंगे, तो वाई टू देखिए कितना है दो है, और एक कितना है एक है, तो आप लिखेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, कितना एक माइनस जीरो हो गया, लिख देंगे एक माइनस जीरो। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक और यहाँ पर जीरो हो गया। इसके बाद लिखना है आपको एक्स टू, देखिए एक्स टू कितना है, एक्स टू जीरो है तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री देखिए कितना है, वाई थ्री यहाँ पर कितना हो रहा है, वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री माइनस वाई वन तो हो गया जीरो माइनस दो, यहाँ लिख देंगे जीरो माइनस दो। इसी तरह से आप फिर लिखेंगे एक्स थ्री, तो एक्स थ्री देखिए कितना है, एक्स थ्री एक है, तो आप लिख देंगे कितना, यहाँ एक लिखेंगे प्लस लगा करके एक, और यहाँ लिख देंगे दो माइनस एक। इसको अब सरल कर देंगे तो देखिए एक बटा दो हो गया।
और यहाँ पर देखिए ये एक आ जाएगा, एक माइनस एक, एक गुणे एक एक हो जाएगा, यहाँ देखिए जीरो हो जाएगा, तो आप इसको जीरो लिखेंगे। फिर देखिए दो में से एक घटा आ गया एक, एक गुणे एक करेंगे तो एक आ जाएगा, इस तरह से आ गया ये एक, और आ गया कितना ये आ गया एक बटे दो गुणे दो हो गया, और ये हो गया दो बटे दो बराबर आ गया एक। तो इस तरह से देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल एक आ गया और इसका क्षेत्रफल चार आ गया। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ पर आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं ऐसे, क्षेत्रफल यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, यहाँ पर फिर लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, इस समानुपात में कितना हो जाएगा, समानुपात में बराबर हो जाएगा कितना आ गया ये देख रहे हैं एक अनुपात है चार। आप यहाँ चाहे तो इसे बराबर भी लिख कर कर सकते हैं, यहाँ इसे बराबर लगाइए और लिख देंगे एक अनुपात है चार। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।